हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी ऑसिलेटोरिया के बारे में। एल्गी बिलोंग्स टू साइनोफाइसी और साइनोफाइटा। साइनोफाइसी और साइनोफाइटा आर नॉट ट्रू एल्गीज। साइनोफाइसी या साइनोफाइटा को हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट भी कहते हैं और ये यू बैक्टीरिया जो एक कैटेगरी है उसमें इन्हें रखा गया है। ऑसिलेटोरिया के सबसे पहले हम लोग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। ऑसिलेटोरिया एक फ्रेश वाटर एल्गी है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया सी वाटर में भी पाई जाती है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑसिलेटोरिया में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इनमें कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटोरिया में पाए जाने वाले पिगमेंट्स की। तो ऑसिलेटोरिया में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जैंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन, ये सभी पिगमेंट पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया में सेल वॉल पैक्टोज और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है। ऑसिलेटोरिया का थैलस किस तरीके का होता है? ऑसिलेटोरिया का थैलस फिलामेंटस होता है। एक फिलामेंटस एल्गी है जो कि अनब्रांच्ड होती है। इसका थैलस सिंगल भी पाया जाता है और ग्रुप में भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटोरिया में पाए जाने वाले स्टोर फूड मटेरियल की। तो ऑसिलेटोरिया में स्टोर फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च और साइनोफाइसिन प्रोटीन के रूप में होता है। तो ये सारे ऑसिलेटोरिया के डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटोरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑसिलेटोरिया प्रोकैरियोटिक एल्गी है। इसकी क्लास है साइनोबैक्टीरिया, ऑर्डर है नोस्टोकेल्स, फैमिली है ऑसिलेटोरिएसी एंड जीनस है ऑसिलेटोरिया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑसिलेटोरिया को डिटेल में स्टडी करते हैं। यदि हम ऑसिलेटोरिया की ऑकरेंस के बारे में बात करें तो ऑसिलेटोरिया एक कॉस्मोपॉलिटन एल्गी है। कॉस्मोपॉलिटन एल्गी से तात्पर्य है कि ये पूरे विश्व में पाई जाती है। इट इज फाउंड वर्ल्ड वाइड। इसके आज तक 76 टाइप की स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। ऑसिलेटोरिया यूं तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाई जाती है, लेकिन इसका जो प्रीमियम हैबिटेट है वो है फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया सी वाटर में भी मिलती है। तो सी वाटर में पाई जाने वाली ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज के एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया लिम्नोसा, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ऑसिलेटोरिया सेलाइना। इसके अलावा ये राइस फील्ड या फिर पैडी फील्ड, धान के खेतों के अंदर भी उगती हैं और वहां पे उग के इनमें हिट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हिट्रोसिस्ट की हेल्प से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और इनके एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपस, ऑसिलेटोरिया फार्मोसा। ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा कुछ एल्गीज हैं जो कि काफी प्लेसेस के ऊपर पाई जाती हैं। उनका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया टैनुइस। ऑसिलेटोरिया टैनुइस को आप बार्क ऑफ द ट्री पे भी देख सकते हैं, लैंड सरफेस पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये हॉट वाटर स्प्रिंग में भी पाई जाती है, तो मल्टीपल प्लेसेस पे पाई जाती है। कुछ ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज सॉल्ट लेक में भी पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया लिम्नोसा एंड ऑसिलेटोरिया सेलाइना। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया कभी कभी हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट करती है। ये एल्गल ब्लूम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके फिलामेंट काफी सारे फिलामेंट गुच्छों के रूप में मड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मड में मिक्स होकर के स्पेशल टाइप का एक वाटर ब्लूम बनाते हैं, जिसे कि हम डॉग डे वाटर ब्लूम कहते हैं। तो डॉग डे वाटर ब्लूम बनाने वाली ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज के एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया अगार्दी एंड ऑसिलेटोरिया स्यूडो जर्मिनेटा। ये एल्गीज ऑसिलेटोरिया में एल्गल ब्लूम बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा ऑसिलेटोरिया वैरायटी ऑफ हैबिटेट में हमें पाई जाती है। यदि हम ऑसिलेटोरिया के थैलस की स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके का होता है और ये फिलामेंटस एल्गी है। फिलामेंटस एल्गी अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होती है, जिसमें कि कोई भी शाखाएं या ब्रांचिंग नहीं निकली हुई रहती है। साथ ही साथ इसका जो थैलस होता है, कंप्लीट थैलस, किसी भी तरीके की शीथ या मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। इस वजह से इस तरीके के थैलस को हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम या तो ग्रुप के अंदर या फिर सिंगल भी पाए जा सकते हैं। ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम में सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो सेम टाइप की होती हैं, उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता अपार्ट ऑफ वन सेल जो कि है एपिकल सेल। एपिकल सेल बिल्कुल इसके टिप पे पाए जाने वाली सेल को कहते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द जो इसकी बॉडी है उसकी सेल से ये सेल काफी अलग होती हैं।
कुछ ऑसिलेटोरिया की प्रजातियों में वो सेम प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम में थोड़ी सी डिफरेंट देखने को हमें मिलती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये ऑसिलेटोरिया का जनरल सा ट्राइकॉम का स्ट्रक्चर है और इनमें यहाँ पे ये और ये सभी इसकी एपिकल सेल है, जो कि इसके बाकी की थैलस से थोड़ी अलग देखने को हमें मिल रही है। तो इसका ये टॉप वाला पोर्शन राउंडेड हो सकता है, इस तरीके से ये कर्व्ड हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ देखिए आप टिप्पे से घुमा हुआ है। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, ये पॉइंटेड है। यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग के जैसे निकला हुआ रहता है, इसे हम कैपिकेट कहते हैं। और यहाँ पे टोपी के जैसा है, कैप के जैसा है, इस टाइप के स्ट्रक्चर कलेक्ट्रा टाइप की एपिकल सेल कहते हैं। तो एपिकल सेल डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप्स के अंदर हमें नजर आती है, लेकिन बाकी बॉडी सेल्स जो होती है, बाकी थैलस सेल्स जो होती है, वो बिल्कुल सभी सेम होती है। ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम की सभी सेल्स सिमिलर टाइप की होती है और इनमें एक विशेषता होती है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। जो बाहर की तरफ वाला साइटोप्लाज्म का पोर्शन होता है उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरफुल होता है, उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम की एक सिंगल सेल का, ये एक सिंगल सेल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये सेल, और इस सिंगल सेल को यदि हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे म्यूसिलेजिनस मटीरियल प्रेजेंट रहता है। तो ये म्यूसिलेज की एक लेयर है, म्यूसिलेजिनस लेयर के बाद यहाँ पे इसकी सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। ऑसिलेटोरिया की सेल वॉल तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर 90 एंगस्ट्रॉम थिक होती है तथा पैक्टोस से बनी हुई रहती है। मिडिल लेयर 160 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये सबसे थिकेस्ट होती है, मोटी होती है, 2000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी थिकनेस होती है और ये म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर के बनी हुई होती है। ऑसिलेटोरिया का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, इसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसका बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। इसको मैंने अभी आपको बताया था, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। स्टोर फूड मटेरियल के रूप में साइनोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट है, ग्लाइकोजन है, ये सभी के सभी क्रोमोप्लाज्म में, यानी कि इस आउटर वाले जो एरिया है इनके अंदर पाया जाएगा। जबकि सेंट्रल पोर्शन में यहाँ देखिए मैंने क्रोमेटिन मटेरियल इसका बनाया हुआ है। इसके अलावा इसमें कई सारी फोटोसिंथेटिक लैमिली होती हैं। ये फोटोसिंथेटिक लैमिली फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं और इनमें काफी सारे पिगमेंट भी रहते हैं, इसकी वजह से ही इनका एक पर्टिकुलर कलर जो होता है पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारी पॉलीहेड्रल बॉडीज हैं, अल्फा ग्रेन्यूल एंड बीटा ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसमें कई सारी फॉल्स वैक्यूल भी पाई जाती हैं और इसके अलावा गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड और जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो सभी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इसमें जो राइबोसोम मिलेंगे वो 70S वाले मिलेंगे और इसके अलावा इसमें जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमिली है उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होंगे वो है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको इरिथ्रिन एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटोरिया में पाए जाने वाली ग्रोथ के बारे में। तो ऑसिलेटोरिया में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की ग्रोथ मिलती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है। इसमें एपिकल सेल को छोड़कर और इंटरकैलरी सेल को छोड़कर के फिलामेंट की सभी सेल जो है वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। फिलामेंट की सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेट होती हैं और इलोंगेट होने के बाद में इनमें सेंट्रीपिटली सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से फिलामेंट जो है उसकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। सूर्य का जो मूवमेंट होता है वो इसमें तीन तरीके से पाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑसिलेशन की बात करते हैं। ऑसिलेशन का मूवमेंट होने की वजह से ही ऑसिलेटोरिया को का नाम ऑसिलेटोरिया पड़ा है। ऑसिलेशन मूवमेंट का मीनिंग है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ऑसिलेशन करेगा ये मेन ऑसिलेटोरिया है, ये कभी इस दिशा में तो कभी इस दिशा में इस तरीके से मूव करेगा। मैं आपको शो करती हूं, अगर ऑसिलेटोरिया का मूवमेंट इस तरीके से घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है तो इसे हम ऑसिलेशन मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट जो है ये है रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन मूवमेंट के अंदर ऑसिलेटोरिया का जो फिलामेंट होता है इसका हेड सभी दिशाओं में इस तरीके से गोल गोल घूमता है, तो इस तरीके का मूवमेंट जो होता है इसे हम रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट है इसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट में ऑसिलेटोरिया जो है वो एक्साइल ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, यानी कि ये इस तरीके से ऊपर
नीचे ऊपर नीचे तरीके से ये मूव करता है, देख रहे हैं अपर साइड एंड लोअर साइड इसका मूवमेंट होता है। अब हम बात करें ऑसिलेटोरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जैसे कि हमें पता है ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं और इनमें कभी भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो भी रिप्रोडक्शन होंगे वो वेजिटेटिव प्रकार के ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव प्रकार का जो रिप्रोडक्शन इसमें मिल रहा है वो है फ्रेगमेंटेशन। ऑसिलेटोरिया जो है ये पानी में, पानी की जगहों में मिलते हैं, पॉन्ड में, रिवर में, इसके अलावा सी में ही मिलते हैं। तो सी में जब बड़े सी एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फ्लोट करते हुए, तो ये इनके ट्राइकोम्स को तोड़ देते हैं। इसके अलावा बहुत तेज आने वाली जो वाटर करंट होता है उनकी वजह से भी इनके ट्राइकोम टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में ये टूटी हुए ट्राइकोम नया थैलस फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑसिलेटोरिया में देखा गया है वो है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के देखने को मिलते हैं, और ये दो तरीके से इनका फॉर्मेशन हो सकता है, या तो विद द हेल्प ऑफ नेक्रिडियम या फिर विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस डिस्क। पहले हम बात करते हैं नेक्रिडियम की। नेक्रिडियम डेड सेल्स होती है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक मान लीजिए ये हम लोग एक थैलस बना लेते हैं, ये हम एक थैलस बना लेते हैं ऑसिलेटोरिया का। ऑसिलेटोरिया की सभी सेल सिमिलर हैं। अब इन सभी सेल में से इस तरीके से कॉन्वेक्स जो है स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बीच की जो सेल्स होती हैं इन्हें हम नेक्रिडियम कह रहे हैं। ये नेक्रिडियम स्पेशलाइज्ड सेपरेशन डिस्क होती है। तो यहाँ पे नेक्रिडियम बन गया और यहाँ पे नेक्रिडियम बन गया, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टू 5 के आसपास जो है सेल्स यहाँ प्रेजेंट है ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम की। अब ये हर एक जो पोर्शन है लाइक ये टिप वाला पोर्शन है ये फर्स्ट हॉर्मोगोनिया बना लेता है, ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये सेकेंड हॉर्मोगोनिया बना लेता है, और ये लास्ट वाला थर्ड हॉर्मोगोनिया बना लेता है। और ये सभी के सभी हॉर्मोगोनिया अब जाकर के जर्मिनेट होंगे और न्यू प्लांट को या न्यू थैलस को फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल टाइप की सेपरेशन डिस्क जिन्हें की हम नेक्रिडियम कह रहे हैं, ये डेड सेल्स होती हैं, तो इनके थ्रू जो है हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो। जिस तरीके से नेक्रिडियम की हेल्प से यहाँ पे हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक उसी तरीके से म्यूसिलेजिनस डिस्क का भी फॉर्मेशन हो जाता है किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पे ये हम ट्राइकोम ले रहे हैं एक, इन ट्राइकोम के बीच में यानी कि ये सेल और ये सेकंड सेल, इन दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पे एक्सेसिव म्यूसिलेज का सिक्रीशन होने लग जाता है। इस एक्सेसिव म्यूसिलेज के सिक्रीशन की वजह से दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे का कॉन्टेक्ट खो देती है, और ये बीच का पोर्शन जो होता है ये इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो ये वाला पोर्शन एक हॉर्मोगोनिया बना लेगा और ये पोर्शन दूसरा हॉर्मोगोनिया बना लेगा। अब ये वाटर फ्लो के साथ में बह करके दूसरी जगहों पे जाएंगे और वहां पे जो है ऑसिलेटोरिया का नया थैलस फॉर्म कर लेते हैं। तो लास्टली हम लोग देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑसिलेटोरिया जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। ऑसिलेटोरिया की लाइफ साइकिल में इसका रिप्रोडक्शन इन दो तरीकों से होता है, और दोनों ही मीन्स वेजिटेटिव मीन्स है, वेजिटेटिव तरीकों से रिप्रोडक्शन हो रहा है, या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर हॉर्मोगोनिया के फॉर्मेशन के थ्रू। हॉर्मोगोनिया दो तरीके से बन रही है, या तो म्यूसिलेजिनस डिस्क के थ्रू या फिर नेक्रिडियम या फिर डेड सेल के थ्रू। तो इस तरीके से ऑसिलेटोरिया का लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी ऑसिलेटोरिया के बारे में। यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आई एम कंचन शर्मा फ्रॉम इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।